हेलो फ्रेंड्स, आर्चल सिक्स की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑटो ऑफएस कॉन्फ़िगरेशंस। ऑटो ऑफएस एक कर्नल बेस्ड ऑटो माउंट यूटिलिटी है जो रिमोट होस्ट के फाइल सिस्टम को ऑटो माउंट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि /etc/fstep फाइल का यूज क्या होता है, ठीक है। तो /etc/fstep फाइल परमानेंट माउंटिंग के लिए यूज होती है लिनक्स में, एंड जब भी आपको कोई किसी रिमोट फाइल्स या किसी फाइल सिस्टम की आपको आपके सिस्टम में परमानेंट माउंटिंग करनी हो तब आप /etc/fstep फाइल का यूज करते हैं और उसमें एक एंट्री क्रिएट करते हैं ताकि जब भी वो पीसी रिस्टार्ट हो या स्टार्ट हो तब बूट टाइम पे वो एंट्री, वो माउंट पॉइंट की एंट्री ऐड हो जाए, ठीक है। तो जब भी /etc/fstep फाइल यूज होती है तब ये क्या करती है कि उस फाइल सिस्टम के लिए एक रिसोर्स, पर्टिकुलर रिसोर्स उस फाइल सिस्टम के लिए यूज करती है। तो ये एक या दो माउंट के लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन जब आपका सिस्टम बहुत सारे सिस्टम से माउंट्स को मेंटेन कर रहा हो तब आपके पीसी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को डाउन कर सकता है, ठीक है, अफेक्ट कर सकता है। यानी इससे क्या होगा, आपकी जो सिस्टम की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑटो ऑफएस का यूज किया जाता है। ऑटो ऑफएस एक कर्नल बेस्ड ऑटो माउंट यूटिलिटी है जो जिसके मेजरली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कर्नल मॉड्यूल जो फाइल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करता है, दूसरा यूजर स्पेस डेमन जो फंक्शंस को परफॉर्म करती है, ठीक है। ऑटो माउंट के थ्रू आप NFS, AFS, SMBFS, CIFS और लोकल फाइल सिस्टम को माउंट करवा सकते हैं। यानी ऑटो ऑफएस क्या करेगा कि जो भी जब यूजर एक्सेस करेगा रिमोट फाइल सिस्टम को तब ये इसे ऑटोमेटिक माउंट कर देगा, और जैसे ही कुछ समय के लिए अगर यूजर उसे यूज नहीं करता उस फाइल सिस्टम को तो ये फिर से उसे अनमाउंट कर देगा। यानी यूजर की डिमांड के ऊपर माउंटिंग करेगा और अनमाउंटिंग करेगा, यानी जब उसे ज़रूरत नहीं तब वो माउंट पॉइंट की एंट्री रिमूव कर देगा। तो इसके ये बेहतरीन फीचर है RHEL 6 में। और इसकी जो मेन सर्विस होती है वो होती है ऑटो ऑफएस, और इस सर्विस से उसको कंट्रोल किया जाता है। और इसकी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, दो फाइल होती है मेन कॉन्फ़िगरेशन, /etc/auto.master और /etc/sysconfig/autofs। तो /etc/auto.master की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसमें माउंट पॉइंट की एंट्री और उसकी मैपिंग होती है, और /etc/sysconfig/autofs डिफ़ॉल्ट स्टार्टअप डायरेक्टरीज हैं जो NFS के सॉरी autofs के लिए यूज होती हैं। और autofs कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम autofs NFS शेयर के NFS सर्वर के शेयर को माउंट करने के लिए यूज करेंगे। यानी इस वीडियो हम NFS सर्वर यूज करेंगे autofs कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी कॉन्फ़िगरेशन लैब। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन लैब है, इसमें इस मशीन को हमने NFS सर्वर बनाया है, कॉन्फ़िगर किया है, और ये सभी मशीन NFS क्लाइंट है। और इस प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे कि NFS शेयर का जो शेयर फाइल सिस्टम है उसे NFS क्लाइंट पर माउंट करेंगे, ऑटो माउंट करेंगे ऑटो ऑफएस के थ्रू। और NFS सर्वर का IP एड्रेस, IP कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार है 172.18.209.9, और NFS क्लाइंट का IP कॉन्फ़िगरेशन है 172.18.209.10। तो चलिए कॉन्फ़िगर स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ़िगर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि NFS सर्वर पर हमने कौन सा फाइल सिस्टम शेयर किया है। तो उसके लिए कमांड है show mount-e। तो बता रहा है कि यहाँ पर दो फाइल सिस्टम शेयर हैं, जैसे NFS शेयर 2 और NFS शेयर। तो और इन दोनों फाइल सिस्टम पर इस वाले मशीन को फुल एक्सेस है, ठीक है। तो चलिए हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। और प्रैक्टिकल कुछ स्टेप्स हैं ऑटो सर्वर autofs कॉन्फ़िगर सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन की, कुछ स्टेप्स हैं वो हम फॉलो करेंगे, जो मैंने एक वर्ड की एक फाइल बना रखी है उसको हम फॉलो करते जाएंगे। पहला स्टेप है कि आपका जो NIC कॉन्फ़िगर NIC है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर होना चाहिए। तो पहले चेक कर लेते हैं वो कॉन्फ़िगर है या नहीं। तो चेक करने के लिए कमांड है if config eth0। eth0 हमारे NIC का नेम है, आपके सिस्टम में कुछ और भी हो सकता है, जो भी आपके नेम हो वो आपको लिखना है, और नहीं पता चले तो सिर्फ if config कमांड लिख लें। तो
तो देखिए हमारा NIC प्रॉपर कॉन्फिगर है 172.172.18.209.10, ये हमारे लैब के अनुसार प्रॉपरली कॉन्फिगर है। अब आपका जो NFS सर्वर है उससे इसे कनेक्टिविटी चेक कर लीजिए। कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कमांड है पिंग 172.18.209.9, ये हमारे NFS सर्वर का IP एड्रेस है। देखिए कनेक्टिविटी है इसके बीच में, सर्वर और क्लाइंट के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको ऑटोपस के जो पैकेज है वो इंस्टॉल करने हैं। तो ऑटोपस के पैकेज आप दो तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, पहला RPM कमांड से, दूसरा यम सर्वर के थ्रू। तो हमने इस लैब में हमारे जो लैब है उसमें यम सर्वर ऑलरेडी कॉन्फिगर कर रखा है, तो इसमें जो पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे वो यम सर्वर के थ्रू करेंगे। तो यम सर्वर कैसे कॉन्फिगर करते हैं इसका मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। चलिए पहले चेक कर लेते हैं कि ऑटोपस का जो पैकेज वो इंस्टॉल है या नहीं। तो उसके लिए कमांड है RPM -QA AutoFS। तो देखिए पैकेज इंस्टॉल नहीं है, अब हमें उसका पैकेज इंस्टॉल करना है। तो यम सर्वर से जब भी आपको पैकेज इंस्टॉल करना हो तो उसके लिए आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करना है, यम इंस्टॉल और पैकेज का नाम, जो भी पैकेज आपको इंस्टॉल करना हो। तो अभी हमें ऑटोपस इंस्टॉल करना है, तो ऑटोपस का नेम लिखेंगे। देखिए इसे ऑटोपस से रिलेटेड एक पैकेज मिला है। अब ये पूछ रहा है क्या ये सही है, एक ही पैकेज अवेलेबल है? तो हाँ ये बिल्कुल सही है, एक ही पैकेज है ऑटोपस का, यस। और हमारा ऑटोपस का पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। चलिए हमारा ऑटोपस का जो पैकेज वो इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या है चेक कर लीजिए कि वो प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ या नहीं ऑटोपस का पैकेज। तो वापस वो कमांड एग्जीक्यूट करते हैं RPM -QA AutoFS। तो देखिए हमारा जो पैकेज वो इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एक ऑटो माउंट डायरेक्टरी क्रिएट करनी है रिमोट होस्ट के फाइल सिस्टम को माउंट करवाने के लिए। आप चाहे तो नई डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, या चाहे तो ऑलरेडी जो डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है उसको भी यूज कर सकते हैं। और इस प्रैक्टिकल में हम जो डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे उसका ये नेम है /myshare। तो चलिए हम नई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, mkdir/myshare। उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, NFS सर्वर पर क्या क्या शेयर है, कौन कौन सा फाइल सिस्टम शेयर है वो आपको चेक करना है। तो उसके लिए कमांड है सो माउंट -E पे NFS सर्वर का IP एड्रेस 172.18.209.9। तो देखिए NFS सर्वर पर दो फाइल सिस्टम शेयर है, NFS Share 2 और NFS Share। तो उसके बाद आपको क्या करना है, /auto.master फाइल को एडिट करना। ये ऑटोपस की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, इसमें आपको माउंट पॉइंट की एंट्री और उनकी मैपिंग ऐड करनी होती है। तो उसका जो सिंटेक्स है वो इस प्रकार रहेगा, सबसे पहले माउंट पॉइंट और उसके बाद मैप नेम और उसके बाद ऑप्शंस। माउंट पॉइंट कि आप रिमोट होस्ट के फाइल सिस्टम को कहाँ पर माउंट करवाना चाहते हैं उस डायरेक्टरी का नेम आपको लिखना है, उस माउंट एज ए माउंट पॉइंट। और मैप नेम में कि आप जो आपने जो मैपिंग की जो एंट्री क्रिएट की है वो किस फाइल में है, वो किस फाइल में कौन सी फाइल में आपने वो एंट्री एड की है उस फाइल का नेम और लोकेशन आपको लिखना है। और ऑप्शंस में ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें, नहीं चाहे तो नहीं ऐड करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐड करना चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। टाइम आउट यहाँ पे हमने 20 लिखा है, इसका मतलब हुआ कि 20
सेकंड तक अगर हम उस यूजर उस माउंट पॉइंट को यूज नहीं करता है, अगर वर्किंग में नहीं होता है, तो ऑटोपस उस माउंट पॉइंट को अनमाउंट कर देगा, यू माउंट कर देगा। ठीक है, ऑटो तो आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं ऐड करें। तो चलिए हम और इसलिए स्लैश etc स्लैश ऑटो डॉट मास्टर फाइल को एडिट करते हैं। तो उसके लिए एडिट करने के लिए कमांड है vim स्लैश etc स्लैश ऑटो डॉट मास्टर, और उसके बाद में इंसर्ट मोड में जाइए। इंसर्ट मोड में जाने के लिए आपको आई प्रेस करना है या फिर इंसर्ट की प्रेस करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एंट्री करनी है, हमने जो डायरेक्टरी क्रिएट की थी ऑटो माउंट के लिए वो है माई शेयर, और यानी माई शेयर का मतलब हुआ कि हम जो भी ऑटोपस के थ्रू माउंट करवाएंगे, वो जो फाइल सिस्टम माउंट करवाएंगे वो इस डायरेक्टरी में करवाएंगे। और उसके बाद में आपको लिखना है स्लैश etc स्लैश उस फाइल का नाम जिसमें आप मैपिंग की एंट्री आपने क्रिएट की है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑटो डॉट माई शेयर। ये फाइल अभी मेरी इस मेरे सिस्टम में क्रिएट नहीं है, मैं बाद में इसको क्रिएट करूँगा, और आप चाहें तो पहले से जो फाइल क्रिएट है वो भी ऐड कर सकते हैं, और अपने अनुसार कोई फाइल क्रिएट करना चाहे तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में टाइम आउट मैं दे देता हूँ ऑप्शन में इजिकल टू 20, और फिर इस फाइल को सेव कर लीजिए। सेव करने के लिए एस्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑटो डॉट ये फाइल क्रिएट हो चुकी है, एडिट हो चुकी है। उसके बाद आपकी जो मैपिंग फाइल है जैसे हमने ऐड किया था स्लैश etc स्लैश ऑटो डॉट माई शेयर, तो या तो उस फाइल को क्रिएट करें या फिर स्लैश etc स्लैश ऑटो डॉट मिस के सैम्पल फाइल को आप स्लैश etc स्लैश ऑटो डॉट माई शेयर नाम से कॉपी करें। तो आप दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो ये कमांड एग्जीक्यूट करें, अगर आप नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो ये कमांड एग्जीक्यूट करें। तो मेरे हिसाब से आप सैंपल फाइल कॉपी कर ले तो आपके लिए बेटर रहेगा, ताकि आपको आइडिया जाएगा कि एंट्री कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रैक्टिकल में हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं सैंपल फाइल को। तो cp -cp, फिर कौन सी फाइल आपको कॉपी करनी है, ऑटो डॉट मिस्क, ये मैपिंग फाइल की सैंपल फाइल होती है, और इस फाइल को हम कॉपी कर रहे हैं किस नाम से, ऑटो डॉट माई शेयर। माई शेयर हमने मैपिंग के लिए यूज़ किया है ऑटो डॉट मास्टर में, इसलिए हम ये नाम दे रहे हैं इसको। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस फाइल को जो मैपिंग वाली फाइल है माउंट पॉइंट की जो मैप एंट्री वाली फाइल है उसको आपको एडिट करना है, और उसमें जो भी फाइल सिस्टम आपको माउंट करना है एनएपस सर्वर का से एनएपस शेयर को जो भी एनएपस सर्वर का जो शेयर आपको माउंट करना है उसकी एंट्री आपको इसमें ऐड करनी है। तो उसका जो सिंटेक्स रहेगा वो ये रहेगा, माउंट पॉइंट यानी आप कहाँ पे माउंट करवाना चाहते हैं, माउंट पॉइंट का नेम आपको लिखना है, फिर ऑप्शंस आप कौन सा फाइल सिस्टम आप माउंट करवा रहे हैं, उस फाइल सिस्टम का टाइप, लोकेशन कि आप कहाँ से माउंट करवाना चाहते हैं, किस सिस्टम से माउंट करवाना चाहते हैं, उसकी लोकेशंस आपको ऐड करनी है। तो चलिए हम इस फाइल को एडिट करते हैं, मैप वाली फाइल को। तो vim /etc/auto.myshare, और इंसर्ट मोड में जाने के लिए आप आई प्रेस कीजिए, और यहाँ पर आपको एंट्री क्रिएट करनी है। हम दे रहे हैं नेम share1, आप चाहें तो कोई भी नेम दे सकते हैं, वॉट एवर यू वांट, और टैब की प्रेस कीजिए, फिर यहाँ पे लिखिए fs type में आपको लिखना है nfs, क्योंकि हम अभी nfs सर्वर के शेयर को माउंट करवा रहे हैं इसलिए हम एनएफएस लिखेंगे। अगर आप सीआईएफएस यूज करें तो आपको सीआईएफएस यूज करना है, लिखना है यहाँ पर, फिर टैब प्रेस करके लोकेशन ऐड करनी है एनएफएस सर्वर की 18.209.9:nfs share, और उसके बाद में इस फाइल को सेव कर लेना है। तो इस एंट्री का जो मीनिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको एनएफएस शेयर, ये जो फाइल सिस्टम है या फिर एनएफएस का जो शेयर पॉइंट है वो आपको जब भी इस सिस्टम में एक्सेस करना है तो आपके लिए जो पाथ रहेगा वो ये रहेगा share1। ठीक है, आप इस डायरेक्टरी से उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, जब भी आप उस माउंट पॉइंट को एक्सेस करने क्रिएट
ट्राई करेंगे तब ये स्लैश माई शेयर वाले डायरेक्ट्री में इस डायरेक्ट्री शेयर वन नाम की एक डायरेक्ट्री क्रिएट करेगा और उसके थ्रू आप इस शेयर पॉइंट को एक्सेस करेंगे। तो चलिए हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं, एस्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क ओके। उसके बाद में आपको सर्विस ऑटोएफएस की सर्विस स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए कमांड है सर्विस ऑटोएफएस स्टार्ट। तो देखिए सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, उसका क्लियर। अब जो आपने डायरेक्टरी क्रिएट की थी उसको चेक कीजिए, ls हाइफन l स्लैश माई शेयर। देखिए उसके अंदर टोटल जीरो बता रहा है, एक भी डायरेक्टरी अभी तक क्रिएट नहीं हुई है माउंट पॉइंट के लिए। और माउंट पॉइंट की एंट्री भी चेक कर लीजिए, माउंट ग्रेप माउंट फिर पाइप फिर ग्रेप एनएफएस। तो देखिए एनएफएस से रिलेटेड अभी कोई माउंट पॉइंट की एंट्री ऐड नहीं हुई है यहाँ पर ओके। अब हम उसको एक्सेस करने की ट्राई करते हैं एनएफएस सर्वर के शेयर को। तो उसके लिए हमने शेयर वन नाम असाइन किया था, तो cd स्लैश माई शेयर और स्लैश शेयर वन। तो देखिए एक्सेस हो चुका है, अब ls हाइपन l करके देखिए, तो उस एनएफएस शेयर एनएफएस सर्वर पे जो डायरेक्टरी थी एनएफएस शेयर उसमें जो भी कंटेंट था वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब आपको क्या करना है, ls हाइपन l और माई शेयर डायरेक्टरी को चेक कीजिए, तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि शेयर वन नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है क्योंकि आपने इसको एक्सेस किया था। और माउंट पॉइंट की एंट्री भी चेक कर लीजिए, माउंट फिर ग्रे पाइप फिर ग्रेप एनएफएस। तो देखिए यहाँ पर एंट्री भी क्रिएट हो चुकी है माउंट पॉइंट की एनएफएस शेयर की। और तो इस तरह आप ऑटोपस यूज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप कुछ समय के लिए इस माउंट पॉइंट जो आपने फाइल सिस्टम एक्सेस किया है उसको यूज नहीं करेंगे तो ऑटोपस उस माउंट पॉइंट की एंट्री को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो कुछ समय के लिए हम यूज नहीं करते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है कि कोई नई एंट्री ऐड करनी तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए वापस हमने सो अमाउंट ई, तो एनएफएस सर्वर पे जो शेयर था इस शेयर को हमने एक्सेस किया था। अब इस शेयर के लिए हम एक नई एंट्री ऐड करते हैं क्रिएट करते हैं। चलिए तो vim स्लैश etc स्लैश ऑटो डॉट माई शेयर और उसमें एक नई एंट्री क्रिएट करते हैं, उसको नेम असाइन करते हैं शेयर टू और हाइफन एफएस टाइप इज इक्वल टू एनएफएस 172.18.209.9 और एनएफएस शेयर टू। फिर इस फाइल को सेव कर लीजिए। उसके बाद आपको आप डायरेक्टरीज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसके लिए जब भी आप नई एंट्री ऐड करते हैं उसके बाद में आपको कंपलसरी कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा सर्विस ऑटोएफएस रीलोड। तो ये क्या करेगा कमांड कि जितनी भी आपने नई एंट्री ऐड की है उनको उन सभी को ही रीलोड करेगा। तो रीलोड हो चुकी है, अब एक्सेस करके देखिए पहले चेक कर लेते हैं ls हाइफन l स्लैश माई शेयर। तो देखिए अभी कोई एंट्री नहीं है, जो एंट्री हमने थोड़ी देर पहले ऐड एक्सेस करने से हमारी क्रिएट हुई थी जो माउंट पॉइंट की एंट्री वो रिमूव हो चुकी है, माउंट पाइप ग्रेप एनएफएस। देखिए यहाँ पर भी कोई एंट्री नहीं बता रहा है। अब आप क्या कीजिए, जो हमने सेकंड शेयर किया था ऑटो सेकंड जो फाइल से माउंट किया था उसे एक्सेस कीजिए, तो cd स्लैश माई शेयर इसके बाद में एनएफएस सॉरी हमने नेम असाइन किया था सेट टू। तो देखिए वो एक्सेस हो चुका है और उसके बाद में ls-l करके देखिए कमांड, तो शेयर एनएफएस शेयर टू के अंदर यानी एनएफएस सर्वर पे जो शेयर था एनएफएस शेयर टू उसके अंदर जो भी कंटेंट थे वो हमें यहाँ पर लिस्ट आउट हो रहे हैं। एक नई फाइल यहाँ पर क्रिएट करके देखिए, टच माई ऑटोएफएस.txt ओके।
अब इसको एन पासवर्ड पर चेक कीजिए, ls-l nfs share 2। तो देखिए आपने जो फाइल क्रिएट की थी वो यहाँ पे शो हो रही है, इस तरह आप एक्सेस कर सकते हैं। और अब चेक कीजिए माउंट पॉइंट की एंट्री, तो माउंट देखिए यहाँ पर भी एक एंट्री क्रिएट हो चुकी है NFS क्लाइंट पर कि आपने एक रिमोट फाइल सिस्टम यहाँ पर माउंट किया है माई शेयर के अंदर Share 2 पे। तो इस अगर आप कुछ समय इसको यूज नहीं करेंगे तो ये इसे वापस यू माउंट कर देगा, अनमाउंट कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।